हाय क्यूट्यूबाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी। तो मनी से क्या करते हैं हम लोग? बाय फूड करते हैं, स्कूल की फ़ीस पे करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, अपने टॉयज खरीदते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं। तो द मनी यूज्ड इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड इट्स करेंसी। जो मनी यूज़ करी जाती है कंट्री में तो वो उसकी करेंसी होती है। द इंडियन रुपी इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया। जो हमारी इंडिया की करेंसी है वो रुपी है। 1 रुपी इज इक्वल टू होते क्या 100 पैसे। और हमारे इसका जो सिंबल है रुपी का, देखिए ये है जो कि ऐसे बनता है, ठीक है, ये रुपी का सिंबल है। ओके, और क्या है, टू कन्वर्ट रुपी इन टू पैसे वी मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हमें रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है हमें, जैसे रुपीज़ टू इज इक्वल टू 2 × 100 पैसे हो जाएगा, तो 200 पैसे हो जाएगा। अगर हमें टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपी वी डिवाइड बाई 100, अगर हमें पैसे से रुपी में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना है। कैसे, जैसे 2800 पैसे हैं तो इक्वल टू 2800 डिवाइड बाई 100, तो इक्वल टू हो जाएगा रुपीज़ 28। देखिए डिवाइड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो और क्या होता है, हम लोग सिम्बोलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि लिखा है देखिए रुपीज़ 12.40 लिखा है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इस ये क्या हो जाएगा 12 रुपीज़। देखिए पॉइंट से पहले रुपीज़ हो जाएंगे और पॉइंट के बाद क्या हो जाएंगे, एंड 40 पैसे। देखिए कोई भी नंबर होगा, रुपीज़ अगर लिखे हैं तो ये पॉइंट से पहले रुपीज़ और ये पॉइंट के बाद ये पैसे, लेकिन यहाँ पे पी लिखेंगे नहीं, तो इसको 12 रुपीज़ एंड 40 पैसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। देखिए अब कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट इंटू पैसे, हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या है, रुपीज़ 14 है, तो हमें पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 14.00 × 100 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, तो देखिए इसमें 2 और 0 ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो ये 1400 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा पैसे में, तो यहाँ पे सिंबल हो जाएगा पैसे का सिंबल पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 0 ऐड हो जाएंगे और 2 के बाद पॉइंट है। देखिए जैसे हमने मल्टीप्लाई करा, एक छोटा सा मल्टीप्लीकेशन दिखाती हूँ मैं, 14.000 × 100 है, इसका आंसर आएगा 14 0 0, 2 और 0 ऐड हो जाएंगे, 2 के बाद पॉइंट है तो देखिए 1400 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह करेंगे 60 रुपीज़ 64.75, तो 64.75 × 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6475 पैसे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब क्या है हमारे पास, रुपीज़ 306.05, तो हम ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, तो इंटू 100 जो कि हो जाएगा 306.05। अब यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, सिर्फ इतने पैसे हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल सा था ना। अब क्या करा, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट इंटू पैसे हो गया। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट इंटू रुपीज़। अब हमें रुपीज़ में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 645 / 100। जब हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है पैसे से, तो हमें क्या करना, डिवाइड करना होगा, तो इसका हो जाएगा रुपीज़, तो जो हमारे सिंबल है वो हम आगे लगाएंगे, 6.45 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था। इसी तरह से होगा, अभी पैसे को हमें डिवाइड करना है रुपीज़ में कन्वर्ट, तो हमें डिवाइड करना होगा इसको भी 100 से, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा रुपीज़ में। देखिए यहाँ पे 0 के 5 है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो 50.05 होगा, 0.5 नहीं होगा, जो है वैसे ही रहेगा। तो इसका आंसर देखिए कितना आसान है, आई होप आपको वह समझ में आया, बहुत ईजी था। अब है एडिशन ऑफ मनी, अब हमें ऐड करना है, आपको ऐसे दे सकते ऐड दिस। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें करेंसी लिखना है, जैसे कि ये हमारे रुपीज़ है, ये हमारे पैसे हैं। अब हमें क्या करना है, 56 यहाँ पे है
पॉइंट के बाद पैसे होते हैं, तो हमें यहाँ पे लिख देना 7 और 5, 4 एंड 2, 5 एंड 0, 2, 5, 8 एंड 0, 0. क्या करना, ऐड करना, हमने ऐड का साइन लगा दिया. देखिए चलिए अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब हम इसे ऐड कर देंगे. तो कितना देख, चलिए कैसे ऐड करते हैं देखते हैं. 5, 0 एंड 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 7, 5 हो जाएगा 12 का 2, कैरी 1, तो यहाँ पे 6 है, ये 7, 7, 8, 9, 9, 8, 17 का 7, कैरी 1, ये 6 एंड 4, 10 एंड 5, 15 का 5, कैरी 1, सो ये कैरी है. ठीक है, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रुपीज़ इधर आ जाएगा, 357 एंड 25 पैसे, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. तो हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है मनी को. अब इसका भी बहुत आसान है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे करेंसी हमारी रुपीज़ है, रुपीज़ एंड पैसे, रुपीज़ है हमारा, किसमें से किसमें, देखिए इसमें से फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 95 पॉइंट समथिंग, तो ये हमें पहले लिखना होगा. तो हम ये लिखेंगे 9, 5, पॉइंट के बाद पैसे होते हैं तो 8 और 0, 3, 6, 9, 0, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये भी. देखिए 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेंगे. ठीक है, 8 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 9, अब ये 4, ये 6 है, तो इससे तो ये जाएंगे, छोटा है बड़ा है, तो इससे कैरे लेंगे, ये हो जाएगा 8 और यहाँ से 10 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 14, तो 14 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 8. ठीक है, अब 8 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 5, तो 5, 8, 9, 0, तो इसका आंसर होगा रुपीस, देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपीस 58 पॉइंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे पैसे लिख सकते हैं, अगर पैसे लिखेंगे तो पॉइंट नहीं लिखेंगे, ये तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, रुपीस 58.90, ये इसका आंसर हो जाएगा. चलिए मैं एडिशन में भी समझा देती हूँ, अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं रुपीस 357.25, ये इसका आंसर होगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही सिंपल था. देखिए अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी, सॉरी ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी. देखिए रुपीज़ 85.75 इंटू 5, तो रुपीज़ तो रुपीज़ ही है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ नंबर्स उतारने, भूल जाना थोड़ी देर के लिए, पॉइंट लिखना ज़रूर है, लेकिन हमें जैसे मल्टीप्लाई करते नॉर्मली वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 5, 5 और 25 होते हैं, 2, देखिए 2 कैरी हो गया था, फिर क्या होगा, 5, 7 35 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 37, और कैरी हो जाएगा 3. ठीक है, ये हमारा कैरी, तो 5, 5 25 प्लस 3 तो हो जाएगा 28, और यहाँ पे कैरी हो जाएगा 2, तो अब क्या होगा, 5, 8 40 प्लस 2 हो जाएगा 42. देखिए अब देखिए कितने के बाद, 1, 2 पीछे से 1, 2, 2 के बाद पॉइंट है, तो हमने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, अगर रुपीज़ में है तो रुपीज़, देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं रुपीज़ 428.75, इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, आप अलग से भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं. चलिए अब हम बताते हैं डिविजन ऑफ मनी, ये भी बहुत आसान है. देखिए हमें क्या करना है, डिवाइड रुपीज़ 9.52 बाय 7, तो हम ऐसे लिखेंगे 7, 9.52 डिवाइड होगा, तो 7, 1 7 माइनस करा यहाँ पे आके 2, अब क्या करेंगे, पॉइंट है तो इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर आएगा नीचे 5, तो 7, 1 7 7 2 14 7 3 21. ठीक है, तो माइनस करेंगे 5 and 7 जाएंगे 4. ठीक है, अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर काउंटिंग करें, मल्टीप्लाई करें, 7 1 7 7 2 14 7 3 21,
सेवन सिक्स आ जाएगा 42, ठीक है। तो 7 5 35 होता है, 7 6 42 हो जाएगा, तो 6 42 लिख देंगे क्योंकि इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, तो हमारा आंसर क्या आता है, जो क्वेश्चन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या, जो रुपीज़ में था तो हमारा रुपीज़ में ही आंसर, रुपीज़ 1.36 इज द आंसर। देखिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।